नमस्कार दोस्तों, हम आज अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है जीके के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं वही बताएंगे। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, सीरीज चलाएंगे हम, 1000 क्वेश्चन की रहेगी। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे दोस्तों। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। फिर दोस्तों हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह की बीमारी में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। दोस्तों फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जान लोगी बेयर्स। भारत में पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। मछली किस की सहायता से सांस लेती है? गड़फड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता था। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौट चलो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली। हवा महल किस कहाँ पर है? जयपुर में है। दोस्तों सिख धर्म की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु नानक ने। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पे है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा की अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अरुणाचल ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्र गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान
गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। प्रेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप पाया जाता है हीरा में। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को वाह आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था? राजघाट। भारत में सबसे पहली रेल कहां से कहां तक? बंबई से ठाणे तक चली थी। भारत में सबसे पहली बार मेट्रो सेवा का आरंभ कोलकाता में हुआ था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? एक्स्ट्राडल लीडर राकेश शर्मा। 1984 में भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महासचिव त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन से? अरविंद बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद? 4 वर्षों बाद। सन 2016 का ओलंपिक रियो डी जनेरियो। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल को भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव रविंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश का है? चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का? तूफान का सूचकांक है। भारतीय मरुस्थल का नाम थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण किस राज्य में है? असम। और उसके बाद पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? सिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में कौन सा रूप है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघ श्रृंखला। और हिंदी भाषा का समाचार उदंत मार्टंड। तुलसीदास द्वारा रामचरित मानस हिंदी के किस होती है अवधि? हरियाणा में राज्य कवि कौन कहे जाते हैं? उदय भान हंस। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? एथेंस यूनान। 1896 में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। भारत के ने आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 मोरक्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? 4 वर्षों बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।